अब मुझे बताइए टीकाकरण ये कोई मोदी आने के बाद आया क्या? टीकाकरण पहले भी था, लेकिन टीकाकरण होना चाहिए, उस बच्चे को उस माँ को लाभ मिलना चाहिए। वो काम नहीं होता था, हमारे गरीब आदिवासी दलित पीड़ित शोषित वंचित छूट जाते थे। हमने मिशन इंद्रधनुष चलाया और आज हमने टीकाकरण का दायरा चौड़ा कर दिया और सफलतापूर्वक आगे बढ़ाया है। टीकाकरण आपके जमाने में भी था, लेकिन वो टीका किसी के टीके के लिए रह जाता था, गरीब के घर तक वो टीका पहुंचता नहीं था। इस काम को हमने करने का काम किया। बीच में पढ़ाई छोड़ने वाले लोगों को स्किल डेवलपमेंट का काम, स्वरोजगार का काम, उसके लिए कौशल विकास का एक बड़ा अभियान हमने चलाया है। हमने स्किल इंडिया अभियान के तहत लाखों युवाओं को प्रशिक्षित किया है। प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना कम्युनिस्ट पार्टी के लोगों के लिए कई वर्षों से मांग रहती थी, अनऑर्गेनाइज लेबर के लिए 40-42 करोड़ अनऑर्गेनाइज लेबर है। पहली बार हमने इसको हाथ लगाया और हमने 3000 रुपए के पेंशन की व्यवस्था अनऑर्गेनाइज लेबर के लिए लेकर के आए। मैं मानता हूं हिंदुस्तान के कम्युनिस्ट पार्टी जो सोचती थी वो नहीं कर पाई, वो काम करने का काम हमने किया है। और इसलिए एक काम हमारे देश में मछुआरों की एक मांग रहती थी कि हमारे लिए अलग मिनिस्ट्री होनी चाहिए। हमारी सरकार ने इस बार बजट में कहा है माछीमारों के लिए, मछुआरों के लिए अलग मंत्रालय की व्यवस्था करने के लिए हमने कहा है। उसी प्रकार से ट्रेडर्स, देश की गतिविधि में, आर्थिक गतिविधि में ट्रेडर्स का रोल है, लेकिन उनके लिए कोई मालिक नहीं, कोई चिंता करने वाला नहीं था। सरकार ने हमारा जो डिपार्टमेंट है उसमें बदल करके डीआईपीपी को डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्रीज इंटरनल ट्रेड के साथ जोड़ दिया है, ताकि ट्रेडर्स की देखभाल करने वाला भारत सरकार में भी एक विभाग होना चाहिए। गुमंतु समुदाय, ये कोई मेरे आने के बाद गुमंतु नहीं हुई है, सदियों से समुदाय है। आपकी सरकार में थे और आप तो गरीबों के नारे लगाते थे, लेकिन गुमंतु समुदाय के लिए साफ सफेदे वाले लोग हैं, उनको आप किसी विदेशी मेहमान को दिखाने के लिए तो सफेदे वालों को बिठा देते थे, लेकिन उनकी चिंता करने की आपको फुर्सत नहीं थी। हमने पहली बार गुमंतु समुदाय के वेलफेयर के लिए बॉन्ड बनाने का निर्णय किया है, ताकि योजनाओं का लाभ समाज के उस वर्ग को मिले। और मेरा अनुभव है, मैंने गुजरात में जब था मैंने गुमंतु जाति के लोगों को, उनको मकान के लिए काम कर रहा, मेरी इच्छा थी उनके बच्चे पढ़े, तो वो कह रहे थे साहब हमारा तो घर नहीं, हम रहेंगे कहाँ, हमें हम स्कूलों में क्या जाएंगे। मैंने जब उनको घर दिया, आज मैं गर्व से कहता हूँ उनके बच्चे कंप्यूटर चला रहे हैं और बड़े शान से जीना जी रहे हैं। अगर इन समाजों में शक्ति है, उन समाजों की भलाई के लिए हम काम करें तो हम कर सकते हैं।